खरगोन के पीजी कॉलेज में कार्यक्रम के दौरान एनएसयूआई के प्रदेश सचिव रजत डंडीर को एक पुलिस अधिकारी ने थप्पड़ जड़ दिए और धक्का देकर कॉलेज कैंपस से बाहर निकाल दिया। दरअसल शहर के पीजी कॉलेज में विवेकानंद जयंती के मौके पर एबीवीपी ने परिचर्चा रखी थी। परिचर्चा में अतिथि इंदौर से बुलाए गए। इस बात को लेकर एनएसयूआई के पदाधिकारी विरोध दर्ज कराने पहुंचे थे। इस दौरान विवाद बढ़ने पर कॉलेज में पुलिस बल भी पहुंच गया। हंगामे के बीच एसआई पवन पांडे ने एनएसयूआई के प्रदेश सचिव रजत डंडीर को 2-3 थप्पड़ जड़ दिए और दूसरे पुलिस वाले ने धक्का देते हुए कॉलेज के बाहर कर दिया। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। हंगामे की सूचना कांग्रेस विधायक रवि जोशी को मिली तो वो भी कॉलेज पहुंच गए और काफी देर तक गहमा गहमी के बाद विधायक ने मामला शांत कराया। इतने में परमार सर आए, परमार सर ने डायरेक्ट चाटा मारा। चाटा मारने के बाद बोलते हैं कि तुम्हारी गुंडागर्दी बाहर करना, यहाँ नहीं चलेगी। मैंने सर हम तो बात करने जा रहे हैं, हमारी इसमें क्या गुंडागर्दी, आप हमें बता दो। इतने में पांडे सर बोलते हैं कि तुम मेरा करियर देख लेना, कि पिछले पाँच महीने से ज़्यादा कहीं पर नहीं रुका हूँ, चाहे तो तुम मेरा रिकॉर्ड उठा के सिंधवा में से उठा के देख। आज खरगोन जिले में पीजी कॉलेज में आज विवेकानंद जयंती को लेकर एक आयोजन किया गया था एबीवीपी द्वारा, जिसके उसमें एनएसयूआई के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी क्रम में दोनों पक्षों के जो छात्र थे वहाँ कॉलेज गेट पर एकत्रित थे। उसी दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ता के द्वारा पुलिस के साथ कुछ झुमझट की गई, जिस पर से पुलिस द्वारा उसको कॉलेज परिसर से बाहर निकाला गया है और इस संबंध में जाँच की जा रही है कि वस्तु स्थिति क्या थी और गलतियाँ किसकी थी।